नमस्कार, आप देख रहे हैं पगरपुर की आवाज चैनल। चलते हैं खबरों की तरफ। चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं बहराइच जनपद के कुछ खास खबरों से। कैसरगंज के बदरौली बाजार में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित छात्र छात्राएं। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कैसरगंज के अंतर्गत कैसरगंज के बदरौली बाजार में आज विगत दिनों कुछ सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट लखनऊ के पूर्व महाधिवक्ता राकेश चौधरी व विशिष्ट अतिथि के रूप में बार एसोसिएशन कैसरगंज के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर मिश्रा व सहकारिता विभाग के शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार वर्मा एडवोकेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व महाअधिवक्ता राकेश चौधरी ने कहा कि प्रतिमा परिचय की मोहताज नहीं होती, वह अपने मार्ग को अवसर पाते ही प्रशस्त कर लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एक श्रेष्ठ समाज की रचना में सक्रिय भूमिका भी निभानी होना चाहिए। आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं अंग्रेजी प्रतियोगिता में कंचन शिशु मंदिर विद्यालय के मरियम को प्रथम, नवीन नवनीत यादव को द्वितीय तथा सिद्धार्थ मौर्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं सम्राट अशोक विद्यालय के अभिषेक वर्मा को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में सफल अन्य प्रतिभागियों इरम खान, संध्या मिश्रा, आसिफ योगेश सिंह, साहिबा बेगम, फिरोजा बानो जावेद, वबीरा सिद्दीकी, महक सिंह, चाहत सिंह, सुभि सिंह, अर्पणा सिंह, अंजलि मौर्य आदि सफल प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन हम वर्मा ने किया। इस अवसर पर रघुराज प्रसाद वर्मा, डॉक्टर पी के वर्मा, मनोज भदौरिया एडवोकेट, फैजान अहमद, पुत्तीलाल यादव, फरीद अहमद, रमेश सिंह, राकेश सिंह, राजकुमार मौर्य, अयोध्या सिंह, अनीस अहमद, आशीष श्रीवास्तव आदि सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खरपुर की आवाज के लिए इम्तियाज अहमद की खास रिपोर्ट। आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए माना यह जाता है कि सफलता सदैव कर्मवीरों के चरण चूमती है। सफलता सदैव कर्मवीरों के चरण चुनती है। अगर आप कर्मवीर हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो असंभव हो और जिसे हासिल ना किया जा सके। मेरी ये दुआएं हैं, मेरी ये शुभकामनाएं हैं उपस्थित सभी जनसमूह के लिए, उपस्थित सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल हुए और सफलता हासिल की। निश्चित तौर पर वे बधाई के पात्र हैं, मेरा आशीर्वचन उनके साथ है। भविष्य में जब कभी भी हमारी आवश्यकता होगी इस प्रतियोगिता के लिए, मैं सदैव आगे बढ़कर सहयोग करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, जोरदार तालियों से इनका भी उम्र भर। सब्सक्राइब करें फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।